नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल हेल्पिंग कैशो चैनल में आप सभी का स्वागत है। ऑनलाइन कैसे न्यू बिजली के कनेक्शन को अप्लाई करेंगे पूरे बिहार में बहुत आसानी से, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली हैं। चलिए अब शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप न्यू कनेक्शन के बारे में, आप हमारे स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें सुविधा ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद देखेंगे, देखिए आगे ऊपर लिखा हुआ है न्यू कनेक्शन के लिए आवेदन, न्यू कनेक्शन का आवेदन, वहाँ हम क्लिक करेंगे। उसके बाद नया अप्लाई, फिर उसको क्लिक कर लेंगे। अब जो डिस्ट्रिक्ट में हमको अप्लाई करना है वो डिस्ट्रिक्ट, जैसे हम पटना में कर रहे हैं तो हमको पटना सेलेक्शन करना है, तो देखिए हम पटना सेलेक्ट कर लिए हैं। और पटना सेलेक्ट करने के बाद यहाँ इंटर मोबाइल नंबर, तो वो मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, उस पर OTP जाएगा। अपना मोबाइल नंबर इंटर करेंगे, जैसे मोबाइल नंबर इंटर करेंगे सेंड OTP पे आपको क्लिक करना होगा। बहुत आसान प्रोसेस है, आप देखते रहेंगे आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी मिल रही है। अब देखेंगे आपको कनेक्शन कौन से कैटेगरी के चाहिए, जैसे हमको डोमेस्टिक चाहिए तो हमने डोमेस्टिक लिख दिया है। यहाँ कंपनी के नाम से अगर आप ले रहे हैं तो कंपनी का नाम लिख देंगे। ऊपर हम OTP अभी डाल दे रहे हैं, OTP जैसा मोबाइल पे आ गया, कभी कभी देर भी लगता है OTP में, तो उसके लिए घबराना नहीं है, जैसे ही आएगा आप डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको एप्लीकेंट नेम यानी जिनके नाम से कनेक्शन चाहिए उनका नाम लिख देना है, या कंपनी के नाम से चाहिए तो कंपनी का नाम लिख देना है। कनेक्शन वैसे तो नॉर्मली आपको डोमेस्टिक होता है, कमर्शियल होता है, इंडस्ट्रियल एरिया के लिए अलग होता है, तो जो आपको चाहिए उस अनुसार आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद नीचे देखिए फादर्स नेम है, तो फादर्स नेम में आपको उनके पिताजी का नाम दर्ज करना होगा। तो दोस्तों पिताजी का नाम डालने के बाद देखेंगे खाता संख्या और खेसरा आया है, ये आपको आपके ज़मीन के पेपर में लिखा हुआ मिल जाएगा जो आप डालेंगे। उसके बाद हाउस नंबर, अगर शहरी क्षेत्र में है तो हाउस नंबर आसानी से मिल जाता है, अगर ग्रामीण क्षेत्र में है तो थोड़ा सा इशू होता है, लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्र में भी मिल रहा है हाउस नंबर। अगर नहीं पता है तो वहाँ NA लिख सकते हैं। उसके बाद देखेंगे यहाँ स्ट्रीट एड्रेस 1, 2, 3 इस तरह से लिखा हुआ है, तो यहाँ आपको कंप्लीट आपके अपने एरिया का एड्रेस लिखना होगा। जहाँ दोस्तों जैसा कि एड्रेस मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, आप भी सही से मेंशन करेंगे जब आप अप्लाई करेंगे खुद से। तो उसके बाद देखेंगे यहाँ सिटी लिखा हुआ है, तो सिटी में आपको कौन से शहर में रहते हैं, जैसे मैं पटना का अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ मैं पटना लिख दे रहा हूँ। उसके बाद आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे पिन कोड पूछा जाएगा, आप अपना एरिया का पिन कोड डालेंगे, फिर ईमेल एड्रेस, तो ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हैं तो डाल भी सकते हैं। फिर आगे आप ध्यान से देखेंगे ब्लॉक हैं, पंचायत हैं, और इसके बाद आपको यहाँ नीचे देखने को मिलेगा विलेज, तो ये आप अपने अनुसार सेलेक्ट करेंगे जो आपके एरिया पड़ता होगा। उसके बाद देखेंगे नीचे, तो यहाँ डिवीज़न सब डिवीज़न सेक्शन है, तो इसे आप ध्यानपूर्वक डालेंगे लिखेंगे, क्योंकि इसी के आधार पे जहाँ आप सेक्शन अपना नोट करेंगे उसी एरिया में आपका ये फॉर्म ऑटोमेटिक सबमिट होगा। उसके बाद देखिए लोड का ऑप्शन आएगा, तो लोड में आपको जितना किलोवाट का चाहिए वो लोड आप इंटर कर देंगे। उसके बाद लोड इंटर करने के बाद सिंगल और थ्री फेज का यहाँ दो ऑप्शन मिलता है, तो सिंगल फेज में आपको 1 से 7 किलोवाट तक का कनेक्शन रह सकता है, ले सकते हैं, लेकिन 7 किलोवाट से अगर आप ऊपर लेंगे तो आपको कम से कम 5 किलोवाट से आपको शुरू होगा थ्री फेज में, और वो ऊपर आप ले सकते हैं। जो भी इसका चार्ज आएगा न्यू कनेक्शन का, अब आपको बिजली के बिल में ही आएगा, आपको पहले कोई पैसा देने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। दोस्तों सब डिटेल्स अच्छा से चेक कर लेंगे, उसके बाद आपको सबमिट करना होगा। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपको रिक्वेस्ट नंबर मिलेगा, जिसे आप नोट डाउन भी कर लेंगे, क्योंकि भविष्य में वही आपका काम करेगा, अप्लाई किया हुआ प्रूफ आपके पास रहेगा। उसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट पेज में अब जाएंगे तो वहाँ आपको एप्लीकेंट फ़ोटो मांगा जाएगा, जो कि आप फ़ोटो खींच के उसमें सबमिट करेंगे, अपडेट कर देंगे, अपलोड कर देंगे। उसके बाद सेकंड में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है ओनरशिप प्रूफ, तो ओनरशिप के लिए वही जो ज़मीन का आपके पास डीड होगा तो डीड का पेपर लगा देंगे, जिसमें नाम और एड्रेस लिखा रहता है वो वाला, और नहीं तो आपको अगर पटना का है तो PMC जो पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का रसीद रहता है, जो करंट कटा हुआ होगा वो भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद वो डालने के बाद अपना ID प्रूफ देना होगा, ID प्रूफ में हमारे पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड का फ़ोटो खींचकर अपडेट कर देंगे। उसके बाद नीचे देखेंगे अब एड्रेस प्रूफ के लिए आपसे मांगा जाएगा, अगर आपके आधार कार्ड में एड्रेस जहाँ न्यू कनेक्शन ले रहे हैं अगर वहाँ का है तो आप आधार कार्ड भी दे सकते हैं, नहीं तो जो ज़मीन आपने ख़रीदा हुआ है उसमें भी एड्रेस लिखा हुआ रहता है, तो वो वाला दोनों पेज आपको इसमें सबमिट कर देना है और अपडेट कर देना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों आपको अब आएगा फाइनल सबमिट के लिए, तो आप उसको
फाइनल सबमिट कर देंगे। फाइनल सबमिट करने के तुरंत बाद आपको रिक्वेस्ट नंबर हाईलाइट होगा, जिसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और उस पर जो लिखा रहेगा उसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। और जानकारी के लिए मैं आपको बता दूँ, मैक्सिमम एक महीने के अंदर आपको कनेक्शन मिल जाएगा, मीटर लग जाएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, और आप तक इसी तरह की और भी वीडियो मैं उपलब्ध कराता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।